नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजिशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी की पोजिशन है। कोरोना वायरस के इस दौर में भारत दुनिया की मदद करने में जुटा हुआ है। किसी देश को दवाई दी जा रही है तो किसी की मदद की जा रही है, लेकिन कबाड़ी पाकिस्तान इन सब के बीच हिजड़ी पंथी की नाच कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचते हैं तो वहां पर कंगाल पाकिस्तान की उसकी हैसियत जरूर दिखाते हैं। और जब से भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में मौसम की जानकारी दी है, तब से कबाड़ी पाकिस्तान और भी झल्ला उठा है। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में पीओके में मौसम की जानकारी दी है, जिससे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि पीओके हमारा है और वहाँ के मौसम भी हमारे हैं। अब पीओके की घर वापसी की ओर पहला कदम बढ़ गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी में पाकिस्तान को जवाब देने का पीएम मोदी का मिजाज अभी भी वही पुराना ही है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया था और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कहा कि कुछ लोग आतंकवाद का जानलेवा वायरस हैं, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मोहलत दी थी कि वो सोचे समझे और फिर से अपने देश की तरक्की के लिए काम करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं पाकिस्तान कर रहा है। बल्कि कोरोना काल में पाकिस्तान अपने टोपी छाप आतंकियों को भारत में जबरन भेज रहा है, जिससे भारत इन टोपी छाप आतंकियों को चुन चुन कर ठोक रही है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान के मदरसा पैदाशी आतंकियों के अंदर भारत को लेकर खौफ बना हुआ है कि कहीं भारत इन मदरसा छाप आतंकियों पर भारी न पड़ जाए। इसीलिए पाकिस्तान के टोपी छाप आतंकी डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसे ही सुपड़ा साफ होने वाला है और अगर कोरोना से बच भी गया तो भारत इन टोपी छाप आतंकियों को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान के टोपी छाप आतंकी भारत से पंगा लेने से डर रहे हैं कि कहीं इनका कीमा ना बन जाए, जैसा कि रियाज नायकू का बना हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान में कोरोना की, तो पाकिस्तान में कोरोना का कहर इतना तेजी से बढ़ रहा है जिससे आप सुनकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पहले से ही वेंटिलेटर और अन्य उपकरण की वजह से पाकिस्तान के डॉक्टरों की मृत्यु हो रही है। लेकिन कंगाल इमरान इन सब बातों से बेपरवाह होकर 72 हूरों के ख्वाब पालकर बैठा हुआ है, जिससे भिखारी पाकिस्तान नए नए एजेंडे तैयार कर रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी सहायता करे। इमरान ने हाल ही में ये कहा है कि भारत लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध कर रहा हूँ कि भारत घुसपैठ करके पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के सारे झूठे एजेंडों पर पानी फिर गया है, जिससे इमरान फटे जूते की तरह मुंह लटकाए फिर रहे हैं, क्योंकि इमरान की कोई मदद नहीं कर रहा है। छोटियां खवाला चीन भी ऐसा लग रहा है जैसे कि घोड़ा बेचकर सो गया है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक चीन के बलबूते पर उछलता था, लेकिन अब चीन की फटी हुई है कि कैसे अमेरिका से वह बच जाए और खुद को निर्दोष साबित करने में लगा है कि कोरोना वायरस चीन से नहीं फैला है। इसीलिए चीन पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कबाड़ी इमरान अब खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है, जिससे अब कंगाल इमरान कश्मीर से 370 के बाद अब गिलगित बाल्टिस्तान को हारेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ अभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि भारत कोरोना काल में गिलगित बाल्टिस्तान पर इस समय ध्यान देता तो भारत के टोपी छाप कांग्रेस सवाल उठा देती। लेकिन यही सही वक्त है भारत के लिए, जिससे पाकिस्तान का सफाया भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का खौफ बना हुआ है तो एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान में भारत में शामिल होने का खौफ अब खटारा इमरान खान को खून के आंसू रुलाएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।